हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी रॉक्स। आज हम बनाएंगे मिनी कार्डबोर्ड का हाउस। देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और उस पे पेपर चिपका देना है, और ये ड्राइंग बनाई है वेरांतर मैंने, उसे कार्डबोर्ड से कवर कर लेना है और दूसरी ड्राइंग पे। और ये टॉयलेट है, ये बहुत ही सिंपल है, ये पेपर से बना है और नीचे कार्डबोर्ड है। और ये बेसिन है, ये बेसिन का एक ट्रे से बनाया है, और ये नल हमने पेपर से बनाया है, और शावर भी हमने पेपर से ही बनाया है। सब कुछ हमने पेपर से बनाया है। और ये है बेड, इसका वीडियो अब मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। जब मैं पोस्ट करूँगा तब आप देख लीजिए। और उसके यहाँ पे पिल्लो रख दीजिए। फिर ये बहुत ही सिंपल है, ये ब्लैंकेट है, इस पे रख दीजिए। और ये टेबल, इसका वीडियो मैंने पोस्ट किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये टेबल बेड के साइड पे रख दीजिए। और फिर उस पे लैंप रख दीजिए। जो लैंप का बेस था उसको हमने कार्डबोर्ड से कवर कर लिया है, उसकी स्टिक के लिए हमने व्हाइट पेपर को रोल कर लिया है और ऊपर फ्लावर का पेटल लगा दिया है। और फिर ये हमने कार्डबोर्ड से दीवार बनाई है। और फिर ये है बहुत ही बड़ा टेबल, ये किचन के लिए है, किचन ट्रॉलीज के लिए। और फिर इसके पेपर को नाप करके इस पे ट्रॉलीज के जैसे चिपका दीजिए। फिर उस पे ग्लू लगा के इसे चिपका दीजिए। और स्केच पेन से ये जो है ट्रॉलीज के हैंडल्स बना दीजिए। सबको बोल चिपका दीजिए। और ये गैस स्टोव, ये व्हाइट पेपर लेके हमने उस पर ब्लैक कलर कर दिया है। आप स्केच पेन या फिर वाटर कलर से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास ब्लैक पेपर हो तो वो भी चिपका सकते हो इस पर। और फिर ये एक दीवार, और इसके साइड्स में हमने दो दरवाजे बना दिए हैं, और इसको भी हमने कलर कर दिया है। और फिर ये भी वैसे ही बनाना है जैसे आपने नीचे का ट्रॉलीज बनाई थी। और फिर ये एक सोफा है जो हमने बनाया है, और ये दो चेयर, इसका वीडियो भी हमने पोस्ट किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं यूट्यूब पर। और फिर ये फूलदान है, फ्लावर पॉट, और ये फ्लावर बनाना बड़ा सिंपल होता है। और ये हमने छोटा सा बॉक्स बनाया, उसका टेबल बन गया। और जो ये सब दीवारें हैं उसको हॉट ग्लू गन से चिपका दीजिए। और ये हमारा प्यारा सा मिनी कार्डबोर्ड हाउस तैयार हो गया है। I hope you enjoyed our video. If you like our video, please like and subscribe to our channel. Thank you for watching.